हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं मानस स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल पर। पिछले क्लास में हम सीखे थे कि लॉ ऑफ मैसन। आशा करता हूँ कि वो सब समझ पाए होंगे लॉ ऑफ मैसन क्या है। उसी को बेस करके आज हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं कि आज का जो टॉपिक है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल लिफ्टिंग मशीन। मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम कब होगा और एफिशिएंसी मैक्सिमम कब निकलेगा? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। पिछले क्लास में हम सीखे थे कि मैकेनिकल एडवांटेज एक रेशियो होता है किसका, कि लोड लिफ्टेड बाय एफर्ट अप्लाइड। तो कब मैक्सिमम होगा, चलिए हम सीखते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज को हम किसमें डिनोट करते हैं, कैपिटल एम ए के थ्रू इसको लिखते हैं। और इट इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड बाय एफर्ट अप्लाइड, जिसको हम जो हमें पता है पहले से। ये डब्ल्यू बाई पी। लेकिन लास्ट क्लास में हम सीखे थे कि लॉ ऑफ मेसन, उसमें से लॉ ऑफ मेसन में हमें क्या मिला था कि पी इक्वल्स टू एम डब्ल्यू प्लस सी, एक इक्वेशन मिला था, एक रिलेशन मिला था। ठीक है, फ्रॉम दी लॉ ऑफ मेसन वी नो दैट, फ्रॉम दी लॉ ऑफ मेसन पी इक्वल्स टू एम डब्ल्यू प्लस सी, यह हमें पता है। तो ये देखिए, हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है, जो रेशियो डब्ल्यू बाई पी, ये पी के जगह हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे ये रिलेशन, तो देखते हैं क्या होता है। सब्स्टिट्यूट करके ही देखते हैं। एम ए मैकेनिकल एडवांटेज जो डब्ल्यू बाई पी था, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पी के जगह ये जो रिलेशन मुझे मिला है लॉ ऑफ मेसन से, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये हो जाएगा एम डब्ल्यू प्लस। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि बोथ न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर में डब्ल्यू को डिवाइड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू होल डिवाइडेड बाई एम डब्ल्यू प्लस सी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। सो ये डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वन होल डिवाइडेड बाई, ये सेपरेट हो जाएगा एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू प्लस सी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। सो यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसल, सो ये रह जाएगा वन बाई, सॉरी ये हो जाएगा वन बाई एम प्लस सी बाई डब्ल्यू, ये हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज। सो यहाँ पे देखिए सी बाई डब्ल्यू इट इज द रेशियो, तो ये डब्ल्यू जितना इंक्रीज होगा, अगर हम लोड को बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो ये छोटा होता जाएगा, क्योंकि सी का कांस्टेंट मैसेंट्रिक्शन, इसको ये छोटा होता जाएगा सी बाई डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू इंक्रीज होगा तो ये रेशियो छोटा होगा, ये रेशियो छोटा होगा तो पूरा डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो इसका जो होल रेशियो वो बड़ा आएगा, मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम होगा। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए ये डब्ल्यू मैक्सिमम बनने के लिए ये डब्ल्यू ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोड को इतना बढ़ाएंगे कि ये जो सी बाई डब्ल्यू का रेशियो अब बहुत छोटा आएगा, क्योंकि सी तो मैसन फ्रिक्शन है आपको पता है, एंड डब्ल्यू इज द लोड लिफ्टेड, तो इसका जो रेशियो बहुत छोटा आता है, तो जो छोटा वैल्यू होता है हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम अगर नेगलेक्ट करते हैं और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि हमें मिल जाएगा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, वो हो जाएगा वन बाई एम, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम। और मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इसको हम लिख सकते हैं वन बाई स्मॉल एम। सो दिस इज आवर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। सो देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, समझ गए ना सब? ठीक है, तो चलते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की तरफ। सो फैटिक एफिशिएंसी, एक लिफ्टिंग मशीन का जो एफिशिएंसी होता है उसको हम क्या बोले थे, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। और दूसरा एक रिलेशन हमने
निकाले थे कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो. द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो. सो एफिशिएंसी जिसको हम एक ग्रीक लेटर ईटा के थ्रू डिनोट करते हैं, ईटा इक्वल्स टू हमें पता है ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो का रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो. सो अगेन मैकेनिकल एडवांटेज को हम लिख सकते हैं W बाय P, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड लिफ्टेड बाय एफर्ट अप्लाइड होल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, होल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो. ठीक है, अगेन फिर से वही सेम चीज करते हैं कि हमें लॉ ऑफ मासन से मिला है कि P equals to mw plus c. फ्रॉम द लॉ ऑफ मासन हमें पता है कि P होता है mw plus c. सो इसका जो वैल्यू, P का जो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या होता है. सो एफिशिएंसी हो जाएगा w divided by mw plus c all divided by vr. सो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा W divided by MW plus C, ये VR यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, सो अगेन वही सेम प्रोसीजर, यहाँ बोथ न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, और यहाँ पे भी पता है W एंड MW plus C जैसे पहले किए थे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज पाने के लिए, कि MW को क्या करते हैं डिवाइड करते थे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में, सो W by W होल डिवाइडेड बाय MW by W plus C by W होल इनटू VR. सो ये ओके 1 रह जाएगा. सो ये हो जाएगा 1 बाय यहां W कैंसिल M plus C by W इनटू VR. सो फिर से वही C by W का रेशियो, अगर W को हम इंक्रीज करेंगे तो C by W का रेशियो बहुत छोटा सा आएगा, और छोटा W को हम नेगलेक्ट कर देते हैं तो नेगलेक्ट करने से क्या हो जाएगा 1 by M into VR. सो ये हो गया आपका eta maximum. सो हम बोल सकते हैं कि efficiency maximum जो होता है 1 by M into VR, ये हो गया आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल लिफ्टिंग मशीन. सो आज के क्लास में हम ये सीखे कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालते हैं, और मैक्सिमम एफिशिएंसी एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन का क्या है, कैसे निकालना है. सो ऐसा करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो दोबारा बैक करके देख सकते हैं, अगर फिर भी डाउट आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर वीडियो ठीक ठाक लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर लिफ्टिंग मशीन के बारे में दूसरा कोई टॉपिक को लेके. थैंक यू, बाय बाय.